बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। ये पर्व साल में एक बार आता है, जिसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। दरअसल ये पर्व पूजन, दान और स्नान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में गंगा सागर में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक क्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। इसीलिए वो राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करता है संक्रांति कहलाती है। चूंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह हर साल जनवरी में 14 या 15 को होता है। मकर संक्रांति को महापर्व की भी संज्ञा दी गई है। इस दिन अगर आप दान, ध्यान, स्नान आदि करते हैं तो उसका फल पूरे साल मिलता है। सूर्य की राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। ये बदलाव साल में एक बार आता है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपको अपने जीवन में बदलाव या फिर बेहतरी लाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन 15 जनवरी को आपको किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो आप घर में ही स्नान जरूर कर लें। इसके बाद आपको नया जनेऊ यानी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। धारण करते वक्त यज्ञोपवीत मंत्र जरूर पढ़ें। इसके बाद उन वस्तुओं को छुएं जिन्हें आप दान करना चाहते हैं। इसमें चावल, काला और उजला तिल, कुछ रुपए पैसे जरूर होने चाहिए। इसके बाद आप गंगा जल मिलाकर तुलसी जी का चौरा जल में डालें। फिर आप पूजा के मंदिर में घी का एक दिया अवश्य जलाएं। उसके बाद आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मंत्रों का उच्चारण करें। सबसे पहले है गणेश गायत्री मंत्र, श्री शिव गायत्री मंत्र, श्री विष्णु गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र, आपको ये सावधानी बरतनी जरूरी है कि जिन वस्तुओं को आपने स्पर्श किया है वो दान की ही वस्तु हो। उन्हें स्पर्श करने के बाद आप जल से हाथ धो लें। फिर आप मंदिर में जाकर किसी गरीब को वो वस्तु दान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मंत्र का उच्चारण करना है और इसके साथ आपको भगवान सूर्य को जल देना है। ये उपाय आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। उसके बाद घर आकर तिल आदि का सेवन करें। इस दिन आपको पहला अन्न तिल के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही आपको शाम की पूजा भी दिया जलाकर ही करनी चाहिए। तो ये था वो 5 मिनट का उपाय जो कि आप मकर संक्रांति के दिन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। इसी जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई पर अभी के लिए बस इतना ही।